हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ विजया और आप देख रहे हो विजयास क्रिएटिव गार्डन। फ्रेंड्स, आज जो है हम आपको अपने गार्डन में खिलने वाले कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स दिखाएंगे और उनके नाम भी बताएंगे। आप चाहो तो उनको नर्सरी से जा कर के ख़रीद सकते हो। ये जो फ्लावर हैं ये अभी दिसंबर में देखिए फ्लावरिंग कर रहे हैं हमारे यहाँ। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले तो ये जो है डेलियाज हैं। नाम इसलिए बताते चलेंगे ताकि आप शॉपिंग कर लो अपने प्लांट्स की। ये डहेलिया है, डहेलिया जो है खिलना शुरू हो गया है इस समय, लेकिन ये जो है बाज़ार वाला प्लांट है, नर्सरी से ख़रीदा हुआ प्लांट है, इसलिए खिल रहा है। और ये है साल्विया। साल्विया ये वाला भी वही है जो मैंने नर्सरी से ख़रीदा था। मैंने दोस्तों इसकी पिंचिंग कर दी थी, जो मेन ब्रांच थी ना, यहाँ से मैंने उसको कतोड़ दिया था, काट दिया था, ताकि नई नई ब्रांच निकले और मेरा प्लांट जो है घना हो। तो ये है, और ये है प्लेम्बेंगो, जिसको कि नीला चित्रक भी बोलते हैं। फ्रेंड्स, ये पेरेनियल प्लांट है, सारे साल इसमें रुक रुक के फ्लावरिंग होती है और बहुत इजी ग्रोइंग प्लांट है। फूल जो है जब भी निकलते हैं तो इस तरीके से गुच्छों में इसमें निकलते हैं। इसके बाद ये वाला जो है ये सिलोसिया है। सिलोसिया और कॉक्सकॉम काफ़ी कुछ सेम लगने लगते हैं, लेकिन ये सिलोसिया जो है अभी फ्लावरिंग करता है सर्दियों के समय। और हिबिस्कस तो एज़ यूजुअल कॉमन है, अभी फ्लावरिंग कर रहा है। तो दोस्तों, बराबर से फर्टिलाइज़र डालते रहना। इस एक्जोरा ने बीच में फ्लावरिंग बंद कर दी थी अपनी, अभी फिर से शुरुआत कर रहा है ये। और ये अपना वही ओलियंडर, ये वाला भी कंटिन्यूसली फूल खिल रहा है इसमें भी। यहाँ पर ये मेरा है नाग चंपा, बहुत ही अच्छा प्लांट है। अच्छा दोस्तों, ये जो है जो हर श्रृंगार है, ये प्लांट जो है फ्लावरिंग बंद कर रहा है, बीज इसमें से बनना शुरू हो गए हैं। तो अगर आपके प्लांट में पत्तियां वगैरह गिर रही हो तो बिल्कुल परेशान मत होना, क्योंकि फ्लावर प्लांट जो है अभी अपने रेस्ट में जा रहा है, नॉर्मल है। बीज आप इकट्ठा करिए, जब भूरे हो जाएंगे तभी तोड़िएगा, अभी मत तोड़िएगा। ये जो है नाग चंपा है, पुलमेरिया की वैरायटी है ये। दोस्तों बहुत इस समय अच्छे से खिलती है, ये पूरी सर्दी भर खिलता रहता है, ये परमानेंट प्लांट है आपका। और सफ़ेद वाला ये तो हिबिस्कस है। इसके बाद दूसरी साइड आ रहे हैं, तो यहाँ पर जो है इस समय बोगनविलिया भी खिलना शुरू हो गए हैं हमारे। और इसकी जो मैंने था रिपोर्टिंग वगैरह भी करी थी इस रेनी सीज़न में, तो काफ़ी अच्छे से खिल रही है ये भी। और ये वाला जो है ये वेडेलिया है, ये एक तरह से कहते हैं ना वाइन है, क्रीपिंग, ये बहुत ज़्यादा फैल जाती है, तो इसको सोच समझ के लगाएं। ये इसका फूल है, चांस की बात कि आज हमें खिला एक ही दिख रहा है इसमें से। यहाँ पर वही वाले ये कैलेंडुला है जो कि मैंने बीज से ग्रो करे थे, वो उसमें फ्लावरिंग अच्छी हो रही है। और ये वाला ये देखिए, ये जो है ये फाइकस वाली जो वाइन आती है ना, वो वाली है, इसमें भी फ्लावरिंग हो रही है। इसको काटना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये मर जाएगी मेरी अब की। और यहाँ पर ये बायरोफाइलम, जो बायरोफाइलम होता है उसका फूल है, बहुत सुंदर देखिए लगता है। ये प्लांट केवल पत्तियों से ग्रो हो जाता है। मैक्सिकन पिटूनिया भी चल रहा है, अच्छा ये पर्सुलेन भी चल रहा है अभी, बहुत प्यारा लगता है। इसको मैंने सेव कर लिया है साल भर के लिए, तो देखिए ये भी बीच बीच में फ्लावरिंग कर रहा है, ये पर्सुलेन जो है ना वो वाला। अब दूसरी साइड मुड़ते हैं, इस साइड ये पर्पल हार्ट है। फ्रेंड्स, फ्लावरिंग जैसे ही इसकी ख़त्म हो, मुरझा जाए, तो इसको जो है इसकी डांगाल तोड़ दें, ज़्यादा अच्छा है, तो बड़ा बेकार सा हो जाता है। और ये पोटुलाका भी देखिए, ये सब हमने काट दिए हैं, फिर से इसमें से फूल निकल रहे हैं। यहाँ पर ये मुसेंडा है, मुसेंडा भी परमानेंट प्लांट है ये वाला। और ये अपना पिटूनिया, वही जो मैंने वर्टिकल टावर बनाया था वही वाला है, तो उसमें भी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। मैंने जो था कल पानी डाला है इसमें, तो जो हमने ठीक करा था आपके सामने वो ये है, देखिए ठीक हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन ठीक हो जाएगा, मुझे पूरी उम्मीद है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, तो ये जो है गैलाडिया है। गैलाडिया तो वैसे गर्मियों का प्लांट है, लेकिन ये सर्दी में भी बहुत फ्लावरिंग कर रहा है। इसकी मैं बस कटिंग ग्रो करके लगाती रहती हूँ। और ये हॉली हॉक कटिंग्स, यार सॉरी, ये भी बीज से मैंने बोया था, बढ़ गया है ये। इधर चलेंगे तो इधर भी मेरे कुछ परमानेंट प्लांट्स हैं। ये वाला जो है ये एरेंथमम है, काफ़ी फ्लावरिंग करता है, इस समय तो अच्छे फूल नहीं खिल रहे हैं इसके। पानी एक्चुअली मैं इधर पीछे 2 दिन डालना भूल गई थी। और ये वाला जो है ये अनार का फूल है। फ्रेंड्स, इसमें मेरे फल नहीं निकलते हैं, केवल फूल निकलता, बहुत सुंदर निकलता है। आज अभी खिला नहीं है कोई फूल, तो हम दिखा नहीं पा रहे हैं आपको ठीक से, नहीं तो बहुत सुंदर लगता है, बिल्कुल गुलाब की तरह लगता है। ये सब गेंदे यहाँ पर लगे हैं अलग अलग वैरायटी के, जिस अधिकतर मैंने सब कटिंग से ग्रो करे हैं ये वाले गेंदे।
और ये गुलदावरी भी खिलना शुरू हो गई है। अब प्रूनिंग करने से कोई फ़ायदा नहीं है, प्रूनिंग मत करिएगा। ये जो है यूफोर्बिया मिली है, जिस पर कि मैंने वीडियो बनाया था, और ये जो है डाइंथस है, डाइंथस भी खूब अच्छे से खिल रहा है मेरा। और ये एडीनियम है, एडीनियम भी इस समय देखिए खूब अच्छे फ्लावरिंग कर रहा है। एक एडीनियम मेरा डबल वाला दूसरी साइड भी है, लेकिन वहाँ तक हम पहुँच नहीं पा रहे हैं तो उसको हम दिखा नहीं पा रहे हैं, एक्चुअली स्टैंड लगा है। और ये मेरी गार्लिक वाइन बहुत सुंदर लग रही है, मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी ये खिल जाएगी इस समय, लेकिन दोस्तों अब की खिल गई। तो मेरी में फरवरी में जाके खिलती थी, बहुत प्यारी लग रही है, इसका कलर बहुत अच्छा है। आगे बढ़ते हैं तो ये शिमला मिर्च, इसका कलर हम देखने के चक्कर में इसको भी बड़ा कर रहे हैं कि कलर देखें कौन से रेड है कि येलो है। और ये मेरा श्रिम्प प्लांट, अब की इसकी मुझे रिपोर्टिंग करनी थी, ये भी परमानेंट प्लांट है तो रिपोर्टिंग इसकी कर नहीं पाए हैं, तो थोड़ा सा ज़रा कम फ्लावरिंग हुई है, नहीं तो बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है दोस्तों इसकी। ये परमानेंट है, हमेशा आपके यहाँ पर रहेगा। और ये टिकोमा जबरदस्त फ्लावरिंग करता है, बहुत ही बढ़िया प्लांट है, बिल्कुल केयर नहीं मांगता है, ऐसे ही फ्लावरिंग करता रहता है। फ्रेंड्स ये भी परमानेंट प्लांट है, इसको आप कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं, कहीं से भी कटिंग ले आइए, अभी भी ग्रो कर दीजिए, इस सीज़न में भी, ये सर्दी में भी ग्रो हो जाती है। और इसको जो है आप, अच्छा इसमें फ्लावरिंग का शेड्यूल है कि एक बार खूब फूल आ जाते हैं, फिर खाली हो जाता है, फिर ढेर सारे फूल आ जाते हैं, ऐसे करके इसमें होता रहता है। यहाँ पर भी ये मेरा, इसका तो नाम ही हम भूल गए, ऑक्सेलिस था क्या था, ऐसे ही कुछ नाम था इसका। ये बल्ब से ग्रो होता है तो ये भी प्यारा लगता है, इसके भी फूल देखने में, ऑक्सेलिस है शायद, क्या है ठीक से याद नहीं है। और बस इधर ऐसे ही मेरा रखा है। चलिए दूसरी साइड बढ़ते हैं, और ये है मेरी स्वीट पोटैटो वाइन, उसका फ्लावर है, बहुत सुंदर लगता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आपके में स्वीट पोटैटो वाइन में सर्दी में ही फूल आते हैं, जैसे ही फूल सूखे तुरंत उसको हटा देना, नहीं तो ये आपकी वाइन है ये ख़त्म हो जाएगी, सूख जाएगी। और काफ़ी अच्छे फूल आ रहे हैं इसमें, बहुत सुंदर लगता है देखने में इसके फ्लावर्स, ये वाले देखिए। और इसकी मैंने रिपोर्टिंग करी थी, ये मेरा वर्टिकल गार्डन में लगा था जिसमें पिटूनिया लगा था, तो बाद में मैंने निकाल करके इसमें रिपोर्ट कर दिया, इसमें अंदर शकरकंदी भी निकली थी, पटैटो, स्वीट पटैटो भी निकला था। ये पर्पल वाले का नहीं मुझे फूल पता है, इसका भी मैं देखना चाहती हूँ कि निकलता भी है कि नहीं निकलता है, अभी तो कुछ कली नहीं आई है। और ये कॉक्सकॉम, कॉक्सकॉम का भी समय अब जा रहा है, बस ये जाती हुई बाहर इसकी आप देख रहे हो, और इतना इसका वजन हो गया था कि प्लांट ही पूरा लुढ़का लुढ़का सा है। ये देखिए कितना सुंदर लगता है, ये इसका पैटर्न, ये डिज़ाइन जो होती है ना, ये बहुत अच्छी लगती है, कलर कितना अच्छा आया है इस समय देखने में इसका। और इसको तो आप इतना काट करके इसका बंच, आप प्लांट का जो फूलों उसमें पानी में भर करके रूम डेकोरेशन में भी यूज़ कर सकते हो। इसके जो बीज आप ऐसे करके निकालोगे ना, देखिए यहाँ नीचे की तरफ बहुत बीज इसके होते हैं, इसीलिए बहुत प्लांट लग जाता है ये वाला, बस ऐसे खुदो खुरेदोगे ना हाथ से, खूब आसानी से इसके बीज निकल आते हैं। ये अभी तो मुझे कुछ कच्चे लग रहे हैं, नहीं तो ऐसे छुओ तो सब झड़ जाते हैं। ये देखिए बीज जो दिख रहे हैं ना, ये ब्लैक कलर के चमकते हुए, ये हमने काफ़ी सारे, ये मैंने कहीं पर ये फूल जो था ना पड़ा हुआ सड़क में देखा था, तो मैं वहीं से उठा के ले आई थी, उसी के बीज मैंने करके अपने यहाँ पर बहुत फूल कर दिए हैं, इसके प्लांट बना दिए हैं, तो इसको मैं ऐसे ही फेंक देती हूँ। ये भी काफ़ी गर्मी भर चलता रहता है, सर्दियों में ये वाला कॉक्सकॉम ख़त्म हो जाता है, सेलोसिया वाला चलता है। और इधर भी मेरे कुछ लगे हैं, एक पीछे वो लगा है, ये भी एरेंथमम की वैरायटी है, इसमें भी अभी सर्दियों में फूल आएगा। और ये गेंदा पीछे की तरफ पड़ गया है, इसी की कटिंग ले लेके मैंने सब जगह लगाई है अपने, बेचारा वो था पीछे, था काफ़ी जंगल सा हो गया है। एक्चुअली में यहाँ पर दिखाते हैं आपको, बैगन भी लगा है, वो देखिए मेरा छोटा सा बैगन निकला हुआ है इस प्लांट में, ये इधर भी एक लगा हुआ है, तीन बैगन लगे हैं। ये देखिए थोड़े से बड़े हो जाएंगे तो फिर मैं इसको तोड़ लूँगी, एक ये देखिए, एक दिन की तो सब्जी मेरी आराम से बन जाएगी, या सांभर में भी डाल सकती हूँ मैं। तो यहाँ पर काफ़ी जंगल सा हो गया, यहीं पर मैंने जो था ये परसुलेन का जो एक पूरी वो बिछा दी थी, चादर कहते हैं ना, तो परसुलेन हटा करके मैंने सब यही प्लांट्स वहाँ पर रखे हैं। ये जो है थल कमल है, रोजमेरो, ये वाला सूख गया है, ये जो है अभी कलर चेंज कर देगा, पर्पल कलर हो जाए, अरे पिंक हो जाएगा, तो ये वाइट वाला रखा हुआ है अच्छा ये जो है वो है अपराजिता, अपराजिता का भी अब जा रहा है समय, वाइन बनी रहेगी आपकी, फ्लावर कम होते जाएंगे, बीज अभी भी निकलते जा रहे हैं, तो अब बीजों को तो मैं बहुत मैंने इकट्ठा कर लिया, अब नहीं लेंगे हम।
और ये जीनिया है, जीनिया भी अब जा रहा है मेरा, ये तो जबरदस्ती फ्लावरिंग कर रहा है। मैं इधर की तरफ केयर नहीं करती हूँ इन प्लांट्स की, ये सब बस अपने आप ही ग्रो हो रहे हैं। ऐसे ही ये थिथोनिया है, ये भी सीजनल है, बरसात में फ्लावरिंग करता है, ये भी जा रहा है। तो ये सब मैंने रख रख के यहाँ पर, मैं सब अपना काम करती हूँ कि इनको मैं हटा दूंगी किसी भी दिन यहाँ से। जिस दिन फ्लावरिंग बंद करेंगे तो यहीं पर मिट्टी इट्टी निकाल करके इनको ख़त्म, मतलब कंपोस्टिंग में डाल दूंगी। तो फ्रेंड्स ये मेरे गार्डन थे। अभी भी आप इसमें से जो भी पसंद आ रहा है फ्लावरिंग प्लांट, आप खरीद करके उसके नर्सरी से जाइए, खरीदिए। बहुत सारे प्लांट्स इस समय नर्सरी में, सभी नर्सरियों में आ जाते हैं सर्दियों के समय, और अपने गार्डन को सुंदर सुंदर फूलों से सजाइए। दोस्तों फिर मिलते हैं आपसे किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।